नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका ज्ञानबाजी YouTube चैनल की शानदार सीरीज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। दोस्तों, आज है 7 तारीख, दिन है सोमवार, और अब यहाँ से 4 दिन के लिए लगातार फिर से द हिंदू एडिटोरियल सेशंस आपको मिलते रहेंगे। और आज हम बड़े खुश हैं भाई। पहली बात तो ये कि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने शनिवार रविवार को ये पूछा कि सर आपका एडिटोरियल आया नहीं, आपका एडिटोरियल आया नहीं। मैंने साफ साफ आपको बताया था कि ये जो सीरीज है ये हफ्ते में 4 दिन चलेगी, क्योंकि उसके बाद आपके जीके के मेगा सेशंस भी होते हैं, इसीलिए समय मैनेज करना थोड़ा जरूरी होता है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी सीरीज आपको हफ्ते में 4 लेक्चर्स देती रहेगी। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको आपका द हिंदू रोज दोपहर को 2 बजे मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, आज एक डबल बोनांजा है। आज हम एक नहीं बल्कि दो टॉपिक करने वाले हैं। ऑलराइट, और खुशी इतनी है कि आज हम आपके लिए तोहफा लेकर भी आए हैं। अब आप बोलेंगे कौन सा तोहफा? दिखाते हैं, दिखाते हैं, जरूर दिखाते हैं आपको। बट पहले आज के टॉपिक क्या है उनसे हम जरा रूबरू हो जाएं। आज पहला टॉपिक है आपका फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी। आप सब तो जानते ही हैं कि इकोनॉमी का जो घट्टा बैठा हुआ है, जिसके ऊपर निखिल सर ने इससे पहले भी कई सारी बड़ी बड़ी बातें की, कल के मेगा सेशन में भी उसके ऊपर बातें की, तो आप जरा ये समझ लीजिए कि अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा। 2 दिन से हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, आज जरा सॉल्यूशन की भी बात कर लें। और ये सॉल्यूशन जरा फॉरेन से आया है तो देखना बनता है क्या बोलते हैं। और दूसरा है टू क्लोज फॉर कंफर्ट। ये सेंटेंस है तो कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टू क्लोज फॉर कंफर्ट दरअसल भारत और चाइना के सीमा विवाद से संबंधित बात है। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में मैंने वो टॉपिक निकाले हैं जो इस वक्त देश की धड़कन बने हुए हैं। आधी तरफ एक यूथ है, एक पूरा जन सामान्य वर्ग है जो कि इकोनॉमी, नौकरी, बदहाली, भुखमरी, नौकरी न होने की एक जरूरत, या फिर नौकरी न होने के वजह से खड़ी हुई समस्याएं, इन सब चीजों से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ सरकार, न्यूज चैनल, जो पब्लिक की आंख में पूरी तरह धूल झोंकते हुए, सच्चाई को उनसे दूर रखते हुए बातें क्या कर रहे हैं, गलवान घाटी, और क्या बातें कर रहे हैं, काला टॉप, और क्या बातें कर रहे हैं, चीन के साथ किस तरीके से भारत घेरने में लगा हुआ है चीन को चारों तरफ से। बाप रे, आज तक वाले एनडीटीवी वाले या इंडिया न्यूज वाले या स्टार न्यूज वाले, किसी की भी एबीपी न्यूज वाले अगर हम देख लें, तो इन सब की बातें अगर सुन लो तो ऐसा लगता है कि दुनिया में भारत के अलावा कोई दूसरी ताकत है ही नहीं। सच्चाई इतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि इस वक्त देश को जो चाहिए है राइट बैलेंस, वो आपको न्यूज़पेपर्स में कभी नहीं दिखाई देगा। न्यूज़पेपर तो रिया चक्रवर्ती, अनुष्का की प्रेगनेंसी, चीन सीमा विवाद, इस तरह की फिजूल की चीजों में बिजी है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुद्दे जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि देश के असली मुद्दों को भी बार बार सामने लाया जाए। बहरहाल, सरकार और न्यूज चैनल्स को अपना काम करने दीजिए, हम आपके लिए जब तक हैं तब तक आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हर प्रकार की न्यूज लेकर आते रहेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक और छोटी सी बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, कोरोना के ऊपर भी बड़े बड़े अच्छे द हिंदू के आर्टिकल्स रोज आते हैं, ओके। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कोरोना जैसे विषय के ऊपर स्टूडेंट्स का या समझने वालों का, वीडियो देखने वालों का मन इतना ज्यादा अब उत्साहित नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त देश में क्या है। आप इसको कितना भी नजरअंदाज करें, तब भी सच्चाई ये है कि कोरोना बहुत हद तक हमारे जीवन में अब आतंकित लेवल पर आ चुका है। आज का सवेरे का आप द हिंदू उठा के देखिए, 90,000 केसेस एक दिन में निकल आए। भारत में कोरोना को लेकर एक जन सामान्य की समझ ऐसी हो गई है, अरे देर सवेर वो तो होना ही है यार, अब कब तक कोरोना कोरोना करते रहेंगे और कब तक हम कोरोना की वजह से घर पे बैठे रहेंगे। बेटा, बात इतनी आसान नहीं है कि आप कोरोना से कैसे लड़ लेंगे और घर पर कब तक बैठे रहेंगे। बात यह है कि 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। वैक्सीन कब बन के आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोज 1,000-1,200 लोगों की मौतें हो रही है जो कि छुपा हुआ नहीं है आपसे। और ये सब बातें भी
अगर एक पढ़े लिखे एक जागरूक इंसान को जगाती नहीं है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का सवाल है। बहरहाल आप तय करिए कि कोरोना को लेकर आपकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी और आप अपने आप को किस तरीके से कोरोना से बचा पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड टू क्लोज टू कंफर्ट वाला आज का टॉपिक। और उससे पहले आपको आज का गिफ्ट दिखा देते हैं शानदार। तो चलिए आपके लिए बहुत बढ़िया तोहफा लेकर आए हैं, लेट्स हैव अ लुक। यस दोस्तों, जरा ये पीडीएफ देखिए आप। तो ये है इम्पोर्टेंट पीडीएफ 2020, बुक्स, ऑथर्स, इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेट्स, मिलिट्री प्रैक्टिसेस और अपॉइंटमेंट्स, इन सब के साथ आपके लिए एक शानदार पीडीएफ हमने तैयार की है। इसमें अभी तक मार्च महीने से लेकर अगस्त महीने तक जितने भी बुक्स रिलीज हुए हैं उन सब के नाम, उन सब के ऑथर्स, ये सारी लिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमने इसको कई कैटेगरीज में बनाया है। इम्पोर्टेंट डेज पूरे दिए हुए हैं, डेट्स भी दी हुई है, मंथ वाइज दिया हुआ है, फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसकी पूरी की पूरी बढ़िया लिस्ट है आपके लिए। और इसके साथ साथ फिर आपके लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हैं। नहीं, ये है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसके बाद ये है अपॉइंटमेंट्स। मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो आप जानते हैं कोरोना के वजह से इतने हुई नहीं, लेकिन जितने अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब की पूरी सरकारी लिस्ट आपके लिए ऑथेंटिकेटेड, दो बार चेक की हुई, जिसमें आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं नजर आएगी। आप डायरेक्टली अपने पढ़ाई का काम शुरू कर सकते हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये पूरी की पूरी शानदार पीडीएफ मैंने और मेरी टीम ने कंपाइल की है स्पेशली आपके लिए। तो आप चाहें तो ये पीडीएफ ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल जस्ट एट 25 रुपीज। कैन यू इमेजिन गाइस, केवल 25 रुपीज में ये पीडीएफ अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये पीडीएफ खरीद सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसको परचेज करने के क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये पीडीएफ आप कंप्लीटली ले सकते हैं। यहां से अगले महीने से आपको और भी बहुत सारी एडिशनल चीजों के साथ हमारी पीडीएफ मिलती रहेगी। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस। ऑल राइट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के हमारे काम पर। सीधा चलते हैं द हिंदू के सबसे पहले आर्टिकल पर। तो ये रहा आज का पहला आर्टिकल, टू क्लोज फॉर कंफर्ट। ऑल राइट, नहीं ये हमारा दूसरा आर्टिकल है। तो पहले हम फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी ये वाला आर्टिकल कवर कर लेते हैं। ऑल राइट, ठीक रहेगा? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी वाले आर्टिकल की। हाँ गाइस, तो आज के इस आर्टिकल में एग्जैक्टली इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए कौन कौन से तरीके निकाले गए हैं उसके ऊपर कुछ अच्छे समाधान सामने आए हैं। सो लेट मी रीड दैट फॉर यू, फाइनेंसिंग इकोनॉमिक रिकवरी। लेकिन इसको रीड करने से पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूं। आप सबको पता ही है कि इस क्वार्टर की यानी अप्रैल, मई और जून वाले पहले क्वार्टर की जो जीडीपी है उसमें 23.9% का डाउनफॉल आया है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी द हिंदू का एक आर्टिकल बनाया था जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो डाउनफॉल आया है इसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अनुमान लगाए हैं। किसी का कहना ये है कि सरकार ये आंकड़े छुपा रही है, ये एक्चुअली में 32% होना चाहिए था। बहरहाल उनकी बातों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, अलग अलग तरीके के डेटा से ये बनता है, ये तो आखिर एक मैथमेटिकल आंकड़ा है, जमीनी सच्चाई तो आंखों से दिखती ही है। लेकिन इसमें सबसे बुरी मार किसको पड़ी है, तो वो पड़ी है कंस्ट्रक्शन को, जिसने 50% की गिरावट देखी है। और किसको पड़ी है, ऑटोमोबाइल्स को, इनमें भी जबरदस्त गिरावट आई है। और तीसरी एक बहुत बड़ी मार पड़ी है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड होटल्स को, ट्रेड और होटल्स, इन सब में भी तकरीबन तकरीबन 40% से ज्यादा की गिरावट है। तो अगर इन सब की रिकवरी ढंग से हो जाती है तो काफी हद तक आपको अगले तिमाही का जो जीडीपी का अनुमान होगा, वो मेरा अनुमान है कि अगली बार आपको -10% या -10% से कम का दिखेगा। ऑल राइट, लेकिन इसके लिए भारत को और इसके अलावा क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रीजनल कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज विल हेल्प। अब रीजनली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों,
ध्यान से आज एक एक शब्द सुनना, आपको इंटरव्यू में जीडी में ऐसे ही वर्ड यूज करने हैं। रीजनली कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज का मतलब ये हुआ कि भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जिस तरह के व्यापार करता है, अभी तक जैसे ट्रेड चलाता आया है, उनकी मदद लेनी चाहिए और उनके हिसाब से भारत को अपने देश की परिस्थिति ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब भारत ऐसे कौन कौन से ट्रेड चलाता है पड़ोसी मुल्कों के साथ? बिल्कुल चलाता है भाई, उसमें क्या है, हम चलाते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये आपने पढ़ा ही होगा, उसके बाद आशियान, उसके बाद बिम्सटेक, और उतना ही नहीं भारत मेंबर है SCO का, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो अलग अलग इस तरह के जितने भी रीजनल कोऑपरेशंस हैं, इसके थ्रू भारत को एक कंबाइन एफर्ट लेना चाहिए अपनी जीडीपी में सुधार का। तो चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। अर्मिदा सालसिया अलीज जहबाना, इनका लिखा हुआ आर्टिकल है, बड़ा लंबा चौड़ा खूबसूरत नाम है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहती है ये। As the socio-economic impacts of the pandemic spread across Asia and the Pacific, finance ministries are continuing their efforts to inject trillions of dollars for emergency health response and fiscal packages. दोस्तों, अगर आप एकदम नए हैं और आप इस तरह के आर्थिक शब्दों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो आप बिल्कुल सही स्टेशन पर आए हैं। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे हम, समझा देता हूँ। जब भी आपको ये वर्ड दिखाई दे फिस्कल पैकेज, इसका मतलब होता है आर्थिक पैकेज या आर्थिक मदद। यानी जब देश के लोग अपने से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को आगे न ढकेल पाए, नौकरियां चली जाएं, धंधे बंद हो जाएं, तो सरकार को सामने आना पड़ता है किसी ना किसी मदद के साथ, आर्थिक मदद के साथ, उसको बोला जाता है फिस्कल पैकेज। तो बोला ये जा रहा है कि कोरोना के इस पेंडेमिक में, इस महामारी में, बड़े बड़े देशों ने ट्रिलियंस यानी खरबों खरबों डॉलर इमरजेंसी हेल्थ रेस्पॉन्स में और फिस्कल पैकेज में लगाए हैं ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। हमने भी किया था, आपको याद है ना, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, गया कहां ये मत पूछना मुझसे, दिया जरूर था सरकार ने। With continued lockdown measures and restricted borders, economic rebound seem uncertain. Okay, लेकिन problem ये है कि जो लगातार चला आ रहा lockdown है और economy जो पटरी पे आने की कोशिश कर रही है, और दूसरी बात, आपने एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य की सीमा से जोड़ा नहीं है, आपने बंद करके रखा है, उसके वजह से क्या हो गया है कि इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी पटरी पे ढंग से नहीं आ रही है, ये तो आपको पता ही होगा। अब एक उदाहरण से समझ लो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर अगर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश से सारे सब्जियों के ट्रक महाराष्ट्र जाते हैं और महाराष्ट्र में तब जाकर सब्जी आ रही है, तो अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर आपने बंद कर रखी है कोविड के वजह से, तो आपको ये बात सोचने में जरा सा भी वक्त नहीं लगना चाहिए कि महाराष्ट्र में सब्जियों के दाम बहुत महंगे हो जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपने बॉर्डर तो बंद करके रखा है, तो उनके पास जो उनका प्रोडक्शन होगा उससे ही काम चलाना पड़ेगा। इस तरह की चीजों ने वाकई में लोगों को परेशान कर रखा है और इकोनॉमी को काफी हद तक तंग कर रखा है, राइट? हाँ। Compared to 2019's economic situation, over the past 6 months, countries in Asia and the Pacific have been experiencing sharp drop in foreign exchange inflows due to decline in export earnings, remittances, tourism and FDI. बड़े शानदार वर्ड से दोस्तों, और उससे भी शानदार इसका एक्सप्लेनेशन है। ये कहा गया है कि इस महामारी के वजह से फॉरेन एक्सचेंज में जो इनफ्लो आता है उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। मतलब कैसा? अरे भाई, कोई विदेशी अगर भारत में ताजमहल देखने के लिए आएगा तो उसके पास वहां पर गांधी जी के नोट तो है नहीं कि वो गांधी जी वाले नोट लेकर आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, तो वो वहां से क्या लेकर आएगा? डॉलर। यहां आने के बाद भारत में किसी हवाई अड्डे पर उतरेगा, अपने डॉलर काउंटर पे देगा, इंडियन करेंसी लेगा और तब जाके इंडिया में घूम पाएगा, बराबर? तो वो जो डॉलर हमको मिलता है उस व्यक्ति के आने से, वो इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन कोरोना के वजह से ये सब इनकम बंद हो चुकी है। दूसरा, डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सपोर्ट अर्निंग्स, आप सबको तो पता ही है,
राज्यों के बीच की बॉर्डर अगर बंद हो गई है तो कंट्रीज के बीच की बॉर्डर कहां से चालू रहेगी? सारे कंट्रीज ने अंतरराष्ट्रीय विमानों को बंद कर रखा है, सारे कंट्रीज ने जहाजों का आवागमन भी बंद कर रखा है, समुद्री जहाजों का। इसीलिए एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई भी एकदम शून्य हो चुकी है। तीसरा, रेमिटेंसेस। अब ये एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। रेमिटेंसेस का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब आपका कोई प्रियजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका बेटा, आपका भाई विदेश में किसी कंपनी में या कोई भी नौकरी पर काम कर रहा है और वहां से यदि वो आपके लिए या आपके परिवार के लिए साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार या फिर हर महीने पैसे भेजता है, उस रकम को बोला जाता है रेमिटेंस। समझ में आया क्या? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई विदेश में आपका प्रियजन है और वो वहां से हर महीने आपको पैसे भेज रहा है, उस अमाउंट को बोला जाता है रेमिटेंस। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कमाने वाला देश कौन सा? भारत, क्योंकि भारत से मैक्सिमम लोग आज यूरोप में, अमेरिका में और गल्फ में काम करते हैं। टूरिज्म एंड एफडीआई, टूरिज्म का तो जो फट्टा बैठा है, क्या बोला जाए, टूरिज्म कोई जाने को तैयार नहीं है। अरे ले देकर अभी तो बसेस ओपन हुई है, ट्रेन भी चल रही है तो लिमिटेड कैपेसिटी में चल रही है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देश में नहीं आ रहा है, उसके पीछे भारत को अब तेजी से कुछ तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि 23.9% की जीडीपी गिरावट एक बहुत ही खराब मैसेज देती है दुनिया में। कोई भी नई विदेशी फैक्ट्री भारत में इतनी आसानी से खुलेगी नहीं। पिछले 20 सालों में मैंने अपनी आंखों के सामने इस देश में मैकडॉनल्ड्स, इस देश में पेप्सी, फोक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, यहाँ तक कि जॉन डियर के ट्रैक्टर्स, यहाँ तक कि कपड़ा उद्योग या फिर बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स की कंपनियां जैसे पुणे में लॉरियल, इन सबको ओपन होते हुए देखा है। मैंने खुद एमबीए के समय ये सब फैक्ट्रियां पुणे में, चेन्नई में लगती हुई देखी है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न केवल नौकरियां देता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करता है। लेकिन अगर हाल ऐसा ही बना रहा तो ये सब जाएगा सीधे सीधे दरिया में, तो हमें इसको बचाना पड़ेगा भाई। दिस इज वरिंग एज अ पॉलिसी मेकर्स आर टैकलिंग डिफिकल्ट चॉइसेस ओवर हाउ टू प्रायोरिटाइज डेवलपमेंट स्पेंडिंग व्हाइल कंटिन्यूइंग द एक्सपांड देयर स्क्वीज्ड फिस्कल स्पेस। अब सारे ही पॉलिसी मेकर्स यानी नीति बनाने वाले लोग इसको लेकर चिंता में हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या किया इन्होंने। एक सेकेंड, फाइनेंसिंग इन थ्री की एरियाज, तीन अलग अलग एरियाज में आपको फाइनेंस देना चाहिए। जब भी ये वर्ड आप सुनेंगे दोस्तों, फाइनेंस इसका मतलब समझ जाना, पैसा देना या तो उधार में या डायरेक्ट। ओके, सपोज आप अपने दोस्त को कहते हैं कि यार महीना खत्म होने को आया है, मेरे जेब में पैसे नहीं है, तो क्या तू मुझे 1,000 रुपए फाइनेंस करेगा? तो फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने उधार ले लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग इन थ्री की एरियाज, मतलब तीन अलग अलग क्षेत्रों में सरकार को फाइनेंस करना चाहिए। कहां पर? द यूनाइटेड नेशन इज कंट्रीब्यूटिंग थ्रू अ ग्लोबल इनिशिएटिव फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड, को कन्वीन्ड बाय कैनेडा एंड जमैका टू आर्टिकुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी टू सेफगार्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र का एक योगदान ये है ग्लोबल इनिशिएटिव में कि भाई कोविड-19 के आगे अलग अलग कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जरा बढ़ावा दिया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये शब्द जरा समझाना पड़ेगा मुझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या। सस्टेन करना इसका मतलब होता है बने रहना, टिके रहना, ऐसा डेवलपमेंट करना जो इस पृथ्वी को और बर्बाद ना करे, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, समुद्री जीवों को नुकसान ना पहुंचाए और कई सालों तक सस्टेन रहे मानव जाति के लिए, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाते हुए, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए लगती है जबरदस्त टेक्नोलॉजी। आप एक फैक्ट्री खोल देंगे, आजू बाजू के करीबन करीबन 30-40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के सारे पेड़ काट देंगे, वहां पर जमीन बंजर कर देंगे, धुआं फैलाएंगे अलग, प्रदूषण से पानी गंदा करेंगे अलग, तो ये सस्टेनेबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी पृथ्वी अब ये सब सहन नहीं कर सकती। ये इकलौता ग्रह है हमारे पास जीने के लिए, तो हमें इसको बचाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा
जिसमें सस्टेनेबिलिटी अच्छी खासी हो। ऑलराइट, ये समझ में आ गया। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी है कि आगे कभी ऐसी कोविड वाली परिस्थिति आ गई तो हमारे सामने ऐसी समस्या दोबारा आने से पहले हम सक्षम रहे, मजबूती से खड़े रहे। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट्स आर यूनाइटेड टू एंश्योर दैट एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर अवेलेबल टू स्टीयर एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट पोस्ट कोविड-19 रिकवरी। गवर्नमेंट्स को एक साथ हाथ मिलाकर खड़े होना चाहिए और ये बात को एंश्योर करना चाहिए कि कोविड-19 खत्म होने के बाद जो रिकवरी करनी है उसमें हम मजबूत भी रहे और टिके हुए भी रहे। राइट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी, उसके बाद फिर से सब कुछ खड़ा किया गया और आज इतना बड़ा मॉडर्न वर्ल्ड आपके सामने है। वैसे ही कोरोना की मार से हमको बचना भी है और दुनिया को दोबारा पटरी पे लाना भी है। इन द एशिया पैसिफिक रीजन सेवरल कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड फाइनेंसिंग प्लान्स इन थ्री की एरियाज। दे एम टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ डिमिनिश्ड फिस्कल स्पेस एंड डेट वल्नरेबिलिटी टू एंश्योर सस्टेनेबल रिकवरी कंसिस्टेंट विद द एम्बिशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड 2030 एजेंडा एंड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। राइट, सारे ही देशों को इस बात को भी समझना चाहिए कि आने वाले दिन में फिस्कल स्पेस उनके पास रहे और डेट वल्नरेबिलिटी को वो खत्म करे। कहने का मतलब ये कि अरे भाई, उनको पता है कि परिस्थिति खराब है, सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया, हमारे देश की बात कर रहा हूं, लेकिन आने वाले दिन में अगर कोरोना केसेस ऐसे ही रहे तो सरकार को और पैकेज देने की नौबत पड़ सकती है ना, तो सरकार को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार बाद में हाथ थोड़ी खड़े कर सकती कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है तो अब जाओ, अब आप अपना देख लो, ऐसा तो नहीं बोल सकती। दूसरी चीज ये है कि डेट वल्नरेबिलिटी से भी बचना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपके पास इतना कर्जा ना हो जाए लोगों को कोविड-19 से निकालने के चक्कर में कि आप आने वाले दिन में खुद अपने पांव पे ठीक से खड़े ही ना हो पाए। जैसे पाकिस्तान की एक अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले लेते हैं, जबरदस्त कर्जे में डूबी हुई है, नया कर्जा मिलने की कोई चांसेस ही नहीं है उनके पास। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अगर कोरोना की मार झेलती है तो डबल नुकसान में चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आपको? आगे देखो, द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया, राइट, बड़ा ही खूबसूरत फुल फॉर्म दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं हम एस्केप, द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर रीजनल कन्वर्जेशन सीरीज ऑन बिल्डिंग बैक बेटर। ऑन बिल्डिंग बैक बेटर तो एक एसोसिएशन है जहां पर पहली बार बिल्डिंग बैक बेटर नाम का एक सीरीज लगाया गया। बिल्डिंग बैक बेटर अभी शब्द से ही समझ में आ रहा है कि मतलब एक बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वी आर ज्वाइनिंग फोर्सेस विद मिनिस्टर्स, डिसीजन मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर्स एंड हेड्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज टू शेयर कलेक्टिव इंसाइट्स ऑन शेयरिंग पाथवेज टू रेजिलियंट रिकवरी फ्रॉम हेल्थ पेंडेमिक एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। राइट, सारे ही नेताओं ने एक साथ मिलकर, डिसीजन मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर वाले यानी कंपनी वाले, जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज के हेड हैं, इन सारे लोगों ने एक साथ बैठक की और वहां पर इस बात के ऊपर डिसीजन लिया कि किस तरीके से हम मजबूती से आगे बढ़ सके और अपनी इकोनॉमी को खराब होने से बचा सके, क्योंकि बात केवल इंडिया की नहीं है, दुनिया की हर अर्थव्यवस्था भी खराब ही चल रही है। टू इम्प्रूव द फिस्कल स्पेस एंड मैनेज हाई लेवल्स ऑफ डेट डिस्ट्रेस, ऊपर देखते हैं अब, अ ग्रोइंग कॉल फॉर एक्सटेंडिंग द डेट मोरेटोरियम अंडर ग्लोबल इनिशिएटिव्स लाइक द डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव इज टाइमली। अब देखो, ये एक लाइन बड़ी जबरदस्त है और आमतौर पे कोई भी नया स्टूडेंट जो अभी अभी रीडिंग शुरू कर रहा है, हो सकता है कि उसके पल्ले ना पड़े। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या बोल रहे हैं। ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए अभी तक सरकारों ने क्या किया, जिन जिन लोगों को लोन बांट के रखा बैंकों के थ्रू, उन सारे लोगों को बोला कि अच्छा ठीक है, कोरोना चल रहा है, तुम्हारी नौकरी चले गई, अगर तुम लोन की ईएमआई और प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं कर सकते तो हम आपके लिए 6 महीने का इंटरेस्ट रेट और लोन माफ करते हैं। उसको बोला जाता है डेट मोराटोरियम। फिर से एक बार बोल रहा हूं, उसको बोला जाता है डेट मोराटोरियम।
मान लो कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्जा लिया 4 लाख रुपए का, और अब आपकी ईएमआई चल रही है जिसकी पर मंथ ईएमआई का अमाउंट बनता है आपका, मान लेते 7,000 रुपए। अब आप कोरोना के वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको एक मैसेज आया कि आपकी ईएमआई जो है उसको हम तत्कालिक रूप से स्थगित करते हैं, आप 4-6 महीने अगर ईएमआई नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो वो होता है डेट मोराटोरियम। आपको तो सहूलियत मिल गई, लेकिन देश में किसी ना किसी के तो ऊपर उसका बोझ पड़ा ना, तो वो किसके ऊपर पड़ा? बैंक, और बैंक के थ्रू अल्टीमेटली किस पे पड़ा? सरकार के ऊपर, क्योंकि बैंक तो सरकार की ही है। तो डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशियली, तो यहां लिखा हुआ है कि इस तरह से जो डेट मोराटोरियम जो दे रही है सरकारें, अरे भैया ये कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए हम ये तरीका नहीं अपना सकते, राइट? सेंट्रल बैंक्स कैन कंटिन्यू टू कीप द बैलेंस ऑफ सपोर्टिंग द इकोनॉमी एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपना बैलेंस बनाकर रख सकती है सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। सेंट्रल बैंक का मतलब अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सेंट्रल बैंक का साफ मतलब होता है वो बैंक जो नोट छापता है। फिर से एक बार बता दूं, आप जो सड़कों पर सेंट्रल बैंक के जो ब्रांच देखते हो वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो नोट छापने का काम करता है। तो हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन हुआ? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, these further involves enhancing tax reforms and improving debt management capacities while using limited fiscal space to invest in priority sectors, right? अब देखिए ये लाइन भी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टैक्स में अगर हम बदलाव करते हैं तो लोगों के ऊपर भार कम पड़ेगा, लेकिन टैक्स के ऊपर बदलाव करना सरकार के लिए बहुत टेढ़ा मेथड हो सकता है। पिछले 3-4 महीनों में टैक्स कलेक्शन बहुत बेकार आया है, क्योंकि धंधे बंद पड़े हुए हैं, तो सरकार के पास वैसे ही टैक्स का पैसा नहीं है, तो सरकार चाहेगी कि अब उसको वसूलें, लेकिन लोग देने को तैयार नहीं क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं है, तो कुछ बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे देश में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सबसे बुरी मार पड़ी है। मैंने आपको अभी ऊपर बताया ना, कंस्ट्रक्शन में बहुत बुरी मार पड़ी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार पड़ी है, ट्रेड में मार पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स में, यानी टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, इनको बहुत बुरी अर्थव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। अब सरकार को सबसे पहले इन पे ही ध्यान देना चाहिए, सरकार को इनके लिए सस्ते में लोन देने चाहिए, इनके जो धंधे बंद पड़े हुए उसकी रिकवरी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? राइट। एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बॉन्ड्स एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्शन सच एज डेट स्वॉप्स फॉर द एसडीजी, एसडीजी का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सप्लोर्ड फर्दर, राइट। कहने का मतलब ये हो गया, सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बॉन्ड्स एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी नए नए तरीकों से सरकार को जनता तक पैसे पहुंचाने चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि आप सीधे सीधे लोगों को पैसे दे दो और उनको बोलो कि ये रख लो चुपचाप, और आप अर्थव्यवस्था में खर्च करो और उससे इकोनॉमी बढ़ने लगेगी, लेकिन ये मेथड कुछ दिन तक किया जा सकता है या कुछ अमाउंट के लिए किया जा सकता है, बड़े अमाउंट में ज्यादा दिन के लिए नहीं किया जा सकता, इससे इकोनॉमी खराब हो सकती है, इससे पूरा इन्फ्लेशन आ सकता है, तो दूसरे तरीके सरकार को इसमें ढूंढने पड़ेंगे इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए। समझ में आया? इन एडिशन टू इकोनॉमिक कंसिडरेशंस द पॉलिसी पैराडाइम मस्ट मेनस्ट्रीम अफोर्डेबल एसेसिबल एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एज एनश्राइंड इन द पेरिस एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये है कि अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के चक्कर में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम स्वार्थी होकर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पे ना लाए। कैसे भाई? जब कोरोना था तो जानवर सड़क पे आ रहे थे क्योंकि इंसान तो घर में बैठा हुआ था, पंछी बहुत अच्छे से आसमान में खुले वातावरण में उड़ रहे थे, समुद्र में मछलियां बहुत हो गई थी, जलंधर से सीधा हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा था, तो ये जो साफ सुथरापन, पृथ्वी जो अपने आप को फिर से व्यवस्थित करने में लग गई थी, दोबारा हम अपनी इकोनॉमी के स्वार्थ में पृथ्वी के उस बैलेंस को खराब ना करें। तो अब अगर हमें कुछ करना है, हमको भी जीना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जानवरों को भी जीना है, एक्वेटिक एनिमल्स को भी जीना है, और पृथ्वी को भी नियंत्रित रखना है।
तो पेरिस में जो शिखर वार्ता हुई थी, फ्रांस में पेरिस एग्रीमेंट, वहां जो जो तय हुआ था कि पर्यावरण को खराब किए बिना हम काम करेंगे, उसको भूलना नहीं चाहिए। समझ में आया क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के लालच के वजह से ही तो ये सब हुआ है। एज वी स्केल अप द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव एप्लीकेशंस, द फाइनेंसिंग सपोर्ट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस मस्ट गो हैंड इन हैंड विद दीज नेशनल जॉब रिच रिकवरी स्ट्रेटजीज। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके इतने बढ़ गए हैं कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेसेस हैं, यानी लघु उद्योग जो होता है या फिर एक कॉटेज इंडस्ट्री में जो चलाए जाते हैं, वो सबको पैसे देना और उन सबको पटरी पे लाना बहुत आसान है, और इस तरीके से ही वो करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं कि कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया में किसी की छोटी सी खिलौने बनाने की 2 कमरे की फैक्ट्री होगी। वहां पर वो छोटे मोटे खिलौने प्लास्टिक के बनाता है, तो उसके पास एक मशीन है और उसमें जो जितना बन जाता है उतना बन जाता है। अब कोरोना के वजह से उसका पूरा बिजनेस खराब हो चुका है। उस आदमी को कुछ नहीं, केवल 2-4 लाख रुपए का लोन चाहिए, किसी कंपनी की तरह करोड़ों का लोन नहीं चाहिए। अब उतने ही पैसे उसको चाहिए हैं, तो इस तरह के पैसे के लिए प्लीज उसके उसको बैंक के चक्कर मत लगवा लो, फैक्ट्री और उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर लो, इससे पहले ईएमआई की उसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख लो, और जल्द से जल्द पैसा दो और उसको बोलो चलो अपने धंधे में लगाओ और काम शुरू करो, राइट? ये सब हमको करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? और आखिरी चीज, रीजनल कोऑपरेशन। नो कंट्री कैन टेक दिस एजेंडा फॉरवर्ड अलोन। रीजनली कोऑर्डिनेटेड फाइनेंसिंग पॉलिसीज कैन रीस्टार्ट ट्रेड, रीऑर्गेनाइज सप्लाई चेन्स एंड रीवाइटलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ सेफ मैनर अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक। गवर्नमेंट मस्ट पूल फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू क्रिएट रीजनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रीजनल कोऑपरेशन चल रहा है, इसमें सरकारों को सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी और सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे देश में विदेशी आते हैं, वो अपने तरीके से पैसे लेकर आते हैं, उससे इकोनॉमी रिकवर करती है। तो अब आप जल्द से जल्द ये बॉर्डर्स को खोलो, जितने फॉरेन से लोग आते हैं उनको आने दो, उससे टूरिज्म बढ़ेगा और उससे अर्थव्यवस्था थोड़ी पटरी पे आ जाएगी। अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, गवर्नमेंट्स मस्ट पूल फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू क्रिएट रीजनल इन्वेस्टमेंट फंड्स, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म टू एंश्योर दैट ऑल कंट्रीज रिसीव एन इक्विटेबल नंबर ऑफ डोसेस ऑफ द वैक्सीन ऑन द शॉर्ट नोटिस टू एवरीवन एवरीवेयर इन अ पर्टिकुलरली इज पर्टिकुलरली असेंशियल। हाँ, इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी को अगर पटरी पे लाना है तो भाई आपके पास, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, एक जैसी कोरोना से लड़ने की दवाई होनी चाहिए, ताकि लोग अपना काम भी कर सके और कोरोना के खतरे से भी बाहर रह सके। ये समझ में आया कि नहीं आपको? राइट, आगे देखते हैं। थ्रू एस्केप वी कैन स्केल दिस एफर्ट्स अक्रॉस द रीजन, वर्किंग क्लोजली विद अवर मेंबर स्टेट द प्राइवेट सेक्टर एंड इनोवेटर्स टू बिल्ड अ कलेक्टिव फाइनेंसिंग रिस्पॉन्स टू मोबिलाइज द नेसेसरी एडिशनल रिसोर्सेस। Together we can chart financing strategies of Asia and Pacific. We can enhance societal well-being and economic resilience of future pandemic crisis. आखिरी पैराग्राफ बड़ा शानदार दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि ये एस्केप वाली पॉलिसी के तहत, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के तहत, अगर सारे देश मिलकर काम करें, प्राइवेट सेक्टर को लेकर हम सामने आए, बड़े बड़े इनोवेटर्स को सामने लाए जिनके पास कोरोना से लड़ने के तरीके हैं, तो हमारा आने वाला कल बेहद अच्छा हो सकता है। और इस तरीके से एशिया और पैसिफिक रीजन में न केवल लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन इकोनॉमी भी पटरी पर रहेगी। फ्यूचर में कभी ऐसी कोई समस्या आ गई, सो ऑब्वियसली वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड स्टेट टू यू नो फाइट विद एनी सच टाइप ऑफ pandemics, okay, so that our posterities can also have bread and butter even in the worst days of economy. All right guys, so this is something which is considered to be one of the most important part today, wherein the collective efforts by the government and some of the other regional countries is required. Not only state government and central government must work unitedly, but there are some other countries together with
must come to have a proper sustainable development goals for the future options. All right, तो आई होप आपको ये समझ में आया, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा मुझे जरा प्लीज बताइएगा कमेंट्स थ्रेड में। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल में। आज हमारा दूसरा आर्टिकल भी अंतरराष्ट्रीय चीजों से ही रिलेटेड है और वो है टू क्लोज फॉर कंफर्ट। टू क्लोज फॉर कंफर्ट बेसिकली ये एक आर्टिकल है जो कि इंडिया और चाइना के आज हमारे बॉर्डर इशू पर बनाया गया है। तो चलो इसको भी जरा समझ लेते हैं, फटाफट इसको भी कवर करेंगे। अब क्या हुआ है जरा मैं आपको बता देता हूं पहले एक फ्रंट लाइन में, सो दैट आपको आर्टिकल समझने में आसानी जाए। दोस्तों देखो हुआ ये है कि आप सबको पता है कि गलवान घाटी के ऊपर जो कि लद्दाख में है, गलवान नदी के किनारे गलवान घाटी है, वहां पर चाइना ने अचानक से चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया कि ये एरिया मेरा है। अब समस्या ये है कि कई जमाने से बॉर्डर कौन सी होनी चाहिए इसके ऊपर विवाद चल रहा है, 1993 से चल रहा है। तो अब ऐसा है कि कुछ एरिया दोनों कंट्रीज ने छोड़ के रखा है जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर खींची जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये बात अभी भी दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती है कि उतना एरिया तुम्हारा है या इतना एरिया मेरा है, राइट। वहां पर फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स उसको बोलते हैं माउंटेन्स, ओके। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ऐसे माउंटेन्स है जिनको फिंगर का नाम दिया गया है। भारत कहता है कि 2 से लेकर 6 तक के फिंगर्स पूरे मेरे हैं, जबकि चाइना का कहना है कि नहीं नहीं 12 से लेकर 6 और 5 और 4 ये भी मेरे ही है। तो पूरा का पूरा झगड़ा फंस गया है। अब हुआ ये कि इससे पहले कि मतलब ठंड शुरू हो जाए, काला टॉप नाम की एक जगह है जहां पर चढ़कर उस पर कब्जा करना जरूरी था, वो एरिया किसका है ये कंफर्म करना था। तो हमारे जाबाज सिपाहियों ने पर्वतारोहण बहुत बढ़िया किया और उसके बाद काला टॉप पे चाइनीज सेना पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया। चाइना बहुत नाराज हो गया, चाइना को लगा यार कमाल करते हो यार, ये एरिया हमारा था यार, तुम यहाँ पर भी घुसा है तो आपको अब सबक सिखाना पड़ेगा। इंडिया ने बोला भैया जाओ तैयारी करके आओ, है ना, आप थोड़ा कॉम्प्लेन वगैरह पियो और उसके बाद आना, फिर देखते हैं क्या करना है। अब ये जो सारी समस्या हो गई है ये कोई भयानक रूप ना ले ले, क्योंकि चाइना डराने में तो कोई कमी करेगा नहीं। चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रख लिया है, वहां सोल्जर्स बिठा दिए हैं, वहां टैंकर्स बुला लिए हैं, वहां वो पेट्रोलिंग करता रहता है, अपने बड़े बड़े ड्रोन प्लेन लेकर आ गया है, हेलीकॉप्टर उड़ाता रहता है। तो हमने भी अपनी तैयारी करके रख ली है, हम भी सड़क वगैरह सब कुछ बना के वहां पर बिल्कुल रेडी हैं। अब इससे पहले कि कोई भीषण युद्ध हो, उस युद्ध में सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो, उसके वजह से इकोनॉमी का भट्टा बैठे, उसके वजह से आम इंसान की नौकरियां चली जाएं, ऐसी कोई भी परिस्थिति होने से पहले एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते दोनों देशों को टेबल पर बैठकर इसका समाधान निकालना चाहिए, राइट। बड़े बड़े देश न्यूक्लियर स्ट्रेटजी के ऊपर टेबल पे बैठ के समाधान निकाल लेते हैं, तो इस चीज का समाधान क्यों नहीं निकल सकता, ये बात ऑब्वियस थी। कई कई दर्जनों बैठक की गई है जून से लेकर अभी तक, लेकिन हर बार एक ही रवैया सामने आता है जो कि इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है। चाइना मीटिंग में बैठते समय जो बातें करता है और जिस बात पे वो हामी भरता है उसको वो सोल्जर्स को शायद बताता नहीं है और एक्चुअल रणभूमि पर कुछ और ही करता है। समझ में आया आपको लफड़ा क्या है? सपोज नक्शा दिखाया गया टेबल के ऊपर और उनको बोला गया कि देखो भैया ये इतना एरिया तुम्हारा, ये इतना एरिया हमारा, चाइनीज बोलेंगे हाँ हाँ ओके 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 तो चलो साइन करो, हाँ साइन कर दिया, इधर भी साइन कर दिया। अब ये हो जाने के बाद वैसा करना चाहिए ना, तो जब एक्चुअल फील्ड में जाए तो उनके सोल्जर उस एरिया के और आगे आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है अरे अभी तो साइन, मतलब कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इस चीज के वजह से कोई भी वार्ता सफल हो ही नहीं रही है। जयशंकर साहब का भी दिमाग खराब हो गया है, भारत के विदेश मंत्री। अब आपको समझ में आया कि क्यों फेल हो रही है सारी चीजें, इसीलिए देखो हेडिंग दी हुई है टू क्लोज फॉर कंफर्ट, चीजें आसान हो ही नहीं रही है। इंडिया एंड चाइना मस्ट लूज नो टाइम इन फाइंडिंग अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू देयर बॉर्डर डिस्प्यूट। कहने का मतलब यह है कि भारत और चीन को कहीं से भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बॉर्डर डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए, क्योंकि जितना समय लेंगे चीजें उतनी ही गंभीर नहीं गौतम गंभीर हो जाएंगी।
Following Friday's talks in Moscow between the defense minister of India and China, the prospects of an imminent diplomatic solution to the continuing standoff along the LAC यानी line of actual control do not appear bright. कहने का मतलब ये है कि शुक्रवार को मॉस्को में भारत और चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, उन लोगों ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जो कि एनी हाउ निकालने पड़ेंगे, इमिनेंट का मतलब होता है जो आगे आने वाला है, जिसको आप टाल नहीं सकते, राइट, और जो कि दोनों देशों के बीच में जो स्टैंड ऑफ यानी मिलिट्री के जो स्कॉमिशेस हैं, ओके, उसको निकालने के लिए जो भी बातें की वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है, ओके, तो वो वार्ता भी एक तरीके से विफल होती हुई दिख रही है. द स्टेटमेंट्स इशूड बाय द टू साइड्स हैव अंडरलाइंड द शार्प डिफरेंसेस इन हाउ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग हैव कंटिन्यूड टू व्यू द अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट अलोंग द बॉर्डर सिंस मे व्हेन चाइना डिप्लॉयड ट्रूप्स इन लार्ज नंबर्स एंड सॉट यूनिलैटरली रीड्रॉ द एलएसी इन सेवरल एरियाज. कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पक्षों के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें एक जबरदस्त डिफरेंस दिखाई दे रहा है. जिस तरीके से मई से चाइना वालों ने अपने सोल्जर्स को वहां घाटी में अचानक से पहुंचा दिया और उस एरिया पर क्लेम करने लगे, उसके बाद से यानी चाइना ने मई के महीने में सोल्जर्स वहां खड़े कर दिए और हमको डराना धमकाना शुरू कर दिया, और उसी समय से सारी की सारी बैठकें विफल होती दिख रही है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कैटेगोरिकली कन्वेड इंडियाज स्टैंड एम्फेसाइजिंग द चाइनाज एक्शन वर इन वायोलेशन ऑफ बायलेटरल एग्रीमेंट्स. ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि जो कुछ द्विपक्षीय वार्ता में तय हुआ था उसके ठीक विपरीत चाइना का बिहेवियर रहता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, और चाइना के इस घटिया रवैये से हम नहीं, पूरी दुनिया वाकिफ है. चाइना जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी दिखाता नहीं. Right. तो ये तो उसकी कथनी करनी में जबरदस्त फर्क है. He also expressed hopes that both sides would be able to resolve the ongoing situation peacefully through dialogue. अभी भी राजनाथ सिंह को लग रहा है कि peacefully हम बातचीत करके चीजों को ठीक कर सकते हैं. यहाँ डायलॉग का मतलब मूवी का डायलॉग नहीं, ओके, गब्बर कितने आदमी थे वो वाला डायलॉग नहीं. डायलॉग का मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच में की गई बातचीत. His Chinese counterpart General Wei Feng, counterpart का मतलब होता है आपके जैसा सेम उसी पोजीशन पे सामने वाली कंट्री में कौन आदमी है. तो राजनाथ सिंह क्या है, डिफेंस मिनिस्टर, उनका काउंटरपार्ट कौन हो जाएगा, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर, उसका नाम क्या है, वी फेंग, राइट, बड़ा अच्छा नाम है, इनकी मॉम ने बड़े प्यार से रखा होगा ये नाम, वी फेंग, ओके, रोज छत पे जाके याद करना, आप दिन में 10 बार याद हो जाएगा. appeared to only reiterate the stand conveyed by China in recent statement that it had no blame to bear for this summer's development. Okay, China कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ इस समर में यानी मई और जून में उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है. हम मतलब वो खुद चाइनीज. तो कौन जिम्मेदार है भाई, इंडिया जिम्मेदार है. और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक सड़क बना ली. कहां बना ली, अपने एरिया में बना ली. तो अपने एरिया में सड़क क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारा एरिया भी हमारा और हमारा एरिया तो है ही हमारा. हद हो गई यार. बचपन में मेरी एक बहुत बेकार आदत थी, दो चॉकलेट लाए गए हैं तो एक मेरी बड़ी बहन को मिलेगा और एक मुझे मिलेगा. मेरा कहना यह रहता था कि मेरी चॉकलेट मेरी और तुम्हारी चॉकलेट भी मेरी ही. अरे ऐसे कैसे होगा यार, थोड़ा बहुत तो समझदारी रखनी पड़ेगी ना. तो ये जो झगड़े हैं ये बेसिकली इस चीज के, अब मैं इससे ज्यादा आसान भाषा में आपको समझा नहीं सकता, लेकिन अलग 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 एरियाज में एग्जैक्टली यही झगड़े चल रहे हैं. चाइना को जितने पेपर दिखाओ वो 1865 की बातें करता है, कभी 1890 की बातें करता है. जवाहरलाल नेहरू कोई अलग नक्शा बता के गए थे, यूएनओ में कोई अलग नक्शा है, चाइनीज लोगों के पास तीसरा ही नक्शा है, कोई सुनने को तैयार नहीं. ओके, जाने जा रही है अलग. ओके, He said the responsibility lies entirely with the Indian side while China kept maximum restraint to prevent the potential escalation. वो कह रहे हैं कि जो कुछ समझना है, जिम्मेदारी निभानी है, सब कुछ भारत को करना है, हम तो ऑलरेडी बहुत तमीज में है और अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. बताओ, पराकाष्ठा देख लो समय की, कौन बोल रहा है और किसको समझा रहा है. He called on India to immediately withdraw its troops. चाइनीज ये बोल रहे हैं कि भारत को तुरंत अपने सारे सोल्जर्स को पीछे हटा लेना चाहिए. अच्छा, बहुत बढ़िया. और हटा के कहाँ रख लेना चाहिए,
घर भेज देना चाहिए सबको छुट्टी पे, विंटर की छुट्टियां चल रही है। और तब तक आप क्या करेंगे, आप वहां पर हर जगह लाल झंडे लगा लगाकर, माओ जेडोंग की बड़ी बड़ी फोटो लगाकर ये सिद्ध कर देंगे कि ये पूरा एरिया चाइना का है। भगवान कसम, यानी जिस तरीके से ये चाइनीज आगे बढ़े हैं, मुझे माओ जेडोंग की एक स्ट्रेटेजी याद आती है, वो लाल किताब वाली, कि एक दिन पूरी दुनिया को आपको हान डायनेस्टी चाइनीज लोगों में कन्वर्ट कर देना है। भगवान जाने यही ना करने बैठ गए हो ये लोग। ही डिड ऑल्सो दैट द बोथ साइड शुड स्टे कमिटेड टू रिजोल्व द इश्यूज थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन एंड मेक ज्वाइंट एफर्ट्स टू मीट Each other's halfway। वो कहते हैं कि बातचीत से चीजें सॉल्व होंगी। अरे भैया इतनी अकल है अगर आपको कि बातचीत से चीजें सॉल्व होंगी तो बातचीत करो ना। अब इससे बड़ा जोक क्या होगा कि बातचीत से चीजें सॉल्व करनी है तो बातचीत करो ना। बातचीत छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड लास्ट वीक, डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट ऑफ क्राइसिस एंड दैट कैन ओनली हेल्प यू बोथ साइड्स अंडरस्टैंड दैट इट इज इन ईच ऑफ देयर बेस्ट इंटरेस्ट इफ द इवेंट्स ऑफ दिस समर नॉट रिपीटेड। राइट, एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब का कहना है कि बातचीत से चीजों के संकट ठीक हो सकते हैं और दोनों ही पक्षों को अपने अपने अच्छे इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर इस तरह से बातचीत करके चीजों को ठीक करना चाहिए ताकि समर में जो हुआ वो रिपीट ना हो। भाई तो हम और नया क्या बोल रहे हैं, एक ही बात आप अलग अलग ढंग से बोलते जा रहे हो। बातचीत करना है, बातचीत करना है, बातचीत करना है, तो बातचीत करो और ढंग से करो और एक बार का सॉल्यूशन निकाल लो, क्योंकि जितनी गंभीर ये परिस्थिति दिख रही है इतने आसानी से तो सॉल्व नहीं होने वाली लग रहा है। द प्रॉब्लम सो फार हैज बीन स्टार्क मिसमैच बिटवीन चाइना स्टेटमेंट एंड द एक्शंस ऑफ इट्स ट्रूप। मैंने आपको बोला था ना कि चाइना जो टेबल पे बोलता है और जो उसके सोल्जर्स जमीन पे करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इट्स कंसिस्टेंट लेबलिंग ऑफ इंडिया एज द एग्रेसर दिस समर कॉन्ट्राडिक्ट्स द रियलिटी दैट इंडिया हैज सिंस मे सीडेड अबाउट 1000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख टू चाइनीज कंट्रोल। बाप रे, मजाक देख लो। ये बोल रहे हैं कि इंडिया है एक ऐसा देश है कि इंडिया सुनने को तैयार ही नहीं है, खूब ज्यादा एग्रेसिव हो गया है इंडिया, चाइनीज बोल रहे हैं, और हमारा 1000 किलोमीटर का जो एरिया जो चाइनीज कंट्रोल में था उसके ऊपर इनकी नजर है और इसको ये लोग कब्जे में ले लेंगे। बढ़िया है। ओके, इफ चाइनीज डिप्लोमैट्स हैव स्पोकन रिपीटेडली ऑफ द नीड टू कीप इन माइंड द बिग पिक्चर ऑफ बायलेटरल टाइज, द एक्शंस ऑफ इट्स मिलिट्री ऑन द ग्राउंड हैव सजेस्टेड एन इंटेंट दैट इज प्रिसाइसली द अपोजिट। कहने का मतलब ये कि चाइनीज लोगों की बातों को जो टेबल पे वो करते हैं उसको अगर ध्यान से सुने, रिकॉर्ड करके रख ले टेप में, तो उसके बाद उनकी मिलिट्री जो रणभूमि पर करती है वो बिल्कुल अपोजिट होता है उनके बोलने और उनके करने में, जमीन आसमान का अंतर है। एम्फेसाइजिंग अचीविंग टैक्टिकल गेन्स एट द बॉर्डर ओवर द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अंटिल दैट कैलकुलस चेंजेस इंडिया विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी टेस्टेड अलोंग द बॉर्डर एंड टू स्टैंड इट्स ग्राउंड ओवर द लॉन्ग हॉल। राइट, कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कुछ भी बॉर्डर पे हो सकता है। इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि चाइनीज सोल्जर दोबारा हमला कर सकते हैं। इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो चीज टेबल पे चाइना मान गया था उस चीज से वो पीछे हट सकता है। और इंडिया को इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि काफी लंबे समय तक और यही बॉर्डर पे बने रहना है। दोस्तों ठंड आ रही है और ठंड के साथ आपको पता ही है, अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं कि 44 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है ठंड का। अब अगर ये हाल रहा तो लद्दाख में पूरी बर्फ जम जाएगी और उस बर्फ में बेचारे सोल्जर्स को जिस तरीके से देश की सीमा सुरक्षा करनी पड़ेगी उसके लिए हमारे तरफ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सच में चाहेंगे कि उनको पूरी पूरी सपोर्ट भारतीय आर्मी और सरकार की तरफ से मिले, लोगों की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो देश की रक्षा ठीक से कर पाए। ऑल राइट, इंडिया विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी टेस्टेड। हाँ, इंडिया हैज सिग्नल्ड इट्स इंटेंट टू डू सो विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन August 29 इन चुशूल। August 29 को चुशूल में जो हुआ, ये एक एरिया है लद्दाख में, उसके वजह से इंडिया को अब ये सब चीजें करनी पड़ रही है। इफ द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द मॉस्को मीट डिड नॉट एग्जैक्टली इंस्पायर कॉन्फिडेंस बोथ साइड्स विल हैव द चांस टू रीअसेस द सिचुएशन वेयर मिस्टर मिस्टर जयशंकर विल लाइकली मीट हिज काउंटर पार्ट। देखो
अगर राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर है और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो है वेंग फी, इन दोनों की बातचीत से अगर हल नहीं निकला तो अब भारत के एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री, उन दोनों को आपस में बैठना पड़ेगा, राइट, तब जाके चीजें होंगी। वांग ई, उनका नाम है वांगी, ओके, उनका नाम था वेंग फी और उनके भाई है ये वांग ई, बताओ, उत्पटांग नाम रखे हैं, इनके घर वालों को यही पसंद आए। एट अ मीटिंग ऑफ एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन सितंबर 10, मिलिट्री टॉक्स कैन ओकेशनली हेल्प टू अवॉइड फ्लेयर अप। हाँ देखो ये लाइन बड़ी अच्छी है कि अगर आर्मी बैठ कर बात कर लेती है तो अवॉइड अ फ्लेयर अप, अवॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना, नजर से हटाना, और फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़का हुआ झगड़ा, तो जो झगड़ा भड़क रहा है उसको आप हटा सकते हो, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। बट द टू नेबर्स नीड टू वर्क टुवर्ड अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टू एंश्योर अनडिस्टर्ब्ड पीस एंड क्वाइट अलोंग द बॉर्डर। लेकिन दोनों ही पड़ोसियों को कुछ एक शांतिपूर्वक एक समाधान निकालना पड़ेगा, ऐसा एक समाधान निकालना पड़ेगा जो कि शांति लाए और अनडिस्टर्ब्ड शांति लाए, यानी वो बाद में फिर से कभी भंग ना हो और लंबे समय तक बॉर्डर पर सबके सब सुकून से रह सके। ऑल राइट गाइस, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के साथ अब आपको एक फेयर आइडिया आया होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में आज की परिस्थिति क्या है। इसके साथ ही आज हमने इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर भी कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो रीजनली कोऑपरेटेड अप्रोच होनी चाहिए उसके ऊपर भी बात करी। उम्मीद करता हूं कि आज के ये दोनों आर्टिकल आपको बेहद पसंद आए होंगे, इससे आपके कुछ आइडियाज जनरेट हुए होंगे। मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप आर्टिकल देखते हो, आप समझने की कोशिश करते हो, एप्रिशिएट करना भी सीखिए, हो सके तो सेशन को लाइक किया करिए, हो सके तो अपने अच्छे कमेंट शेयर किया करिए। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कमेंट ही करें, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप इस सेशन में कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आपको इस सेशन में किसी तरह की कोई कमी नजर आ रही है तो वो भी लिखिए, लेकिन हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। एक टीम है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए ये सब तैयार करती है और काम करती रहती है, उनका मनोबल बढ़ाइए और प्लीज प्लीज हो सके तो बहुत से अपने दोस्तों को ये सेशन दिखाइए, शेयर करिए। आपके ऐसा करने से ऑब्वियसली जो टीम हमारे लिए ये सब कुछ मेहनत कर रही है उनका भी मनोबल बना रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, हम अननेसेसरी के न जाने कितने ही गानों के वीडियो, कितने ही कॉमेडी के वीडियोस, कितने ही इस तरह के वीडियोस जो हमारे जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे उनको लाइक करते हैं, शेयर करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे दिन भर वीडियोस देखते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक लाइक या फिर एक सही अप्रोच एजुकेशन के वीडियोस पे भी बनना चाहिए? एजुकेशन के वीडियोस का चल रहा स्ट्रगल इसको कहीं ना कहीं बच्चों के प्रोत्साहन से ही खत्म करना पड़ेगा। तो आज एक जेंटल अपील है आप सबके लिए कि इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखें और आपकी पढ़ाई और आपके करियर से संबंधित जो चीजें जरूरी हैं उसके लिए आपका प्रोत्साहित रहना और हमारा मनोबल बढ़ाते रहना बेहद जरूरी है। ऑल राइट दोस्तों, इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जाने से पहले आपको दिल से एक बार थैंक यू बोल दे और थैंक यू बोलते के साथ साथ आपको ये भी याद दिला दे कि ये है हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जिसका नाम है ज्ञानबाजी, हमारा फेसबुक पेज है उसका भी नाम है ज्ञानबाजी, हमारा इंस्टाग्राम है उसका नाम है ज्ञानबाजी, और हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी है ज्ञानबाजी, 4 बार A, जैसे आधार कार्ड में 4 बार A, ज्ञानबाजी में 4 बार A। तो आप ज्ञानबाजी टाइप करके इन सारी चीजों से आज ही जुड़ सकते हैं और बढ़िया मटेरियल ले सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक बढ़िया आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए इस आर्टिकल को पढ़िए, समझिए, आपका दिन बेहद शुभ हो और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।